हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सहजल ने कहा कि कोरोना के नए स्ट्रेन के लिए भी कोविड वैक्सीन कारगर है। उन्होंने कहा कि कई बार आशंका जताई जाती है कि क्या वैक्सीन नए स्ट्रेन में इफेक्टिव है या नहीं, लेकिन इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि लोगों को अब की बार फिर से सतर्क होने की जरूरत है। एक स्तर ऐसा भी आया जहां प्रदेश में एक्टिव केस केवल 200 रह गए थे। लोगों ने दोबारा लापरवाही शुरू कर दी और यही कारण है कि कोविड अब दोबारा से पैर पसार रहा है। ऐसे में हर व्यक्ति को विचार करना पड़ेगा कि मास्क का प्रयोग खुद की भलाई के लिए है। सरकार की तरफ से बार बार आग्रह किया जा रहा है कि लापरवाही कतई ना बरतें। कोविड के कारण हर क्षेत्र प्रभावित हुआ है। इस नए स्ट्रेन का हर क्षेत्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, इसलिए दोबारा जागरूक होना बेहद जरूरी है। पहले जो वायरस आया है उससे यूके स्ट्रेन बिल्कुल अलग है। ऐसे में अब लोग अगर सावधानी नहीं बरतेंगे तो भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। घटते चले गए, यानी एक स्टेज तो ऐसी आई कि जब मात्र जो है 218 एक्टिव केसेस रह गए हिमाचल प्रदेश में, और जब वो रह गए तो फिर लोगों को लगा कि अब जो है कोरोना मुक्त होने जा रहे हैं, तो इसलिए सावधानियों की जो है आवश्यकता नहीं है, पुरानी चीज़ें हम सब भूल गए। और उसके बाद फिर जो है गैदरिंग शुरू हुई और मास्क का प्रयोग, सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड हाइजीन का जिस प्रकार से पहले लोग ध्यान रख रहे थे, कहीं ना कहीं उसमें जो है ढीलापन आया और उसी का परिणाम है कि अब केसेज में फिर से बढ़ गए। मैं यही कहना चाहता हूँ, देखिए बार बार मेरा यही आग्रह है कि ये उचित समय है जब हम प्रिकॉशन लेकर के खुद को भी बचा सकते हैं, समाज को भी बचा सकते हैं इस बीमारी से, कि ये स्प्रेड ना हो आगे इन्फेक्शन और मुझे भी इन्फेक्शन ना हो। इसलिए हर व्यक्ति को ये आज विचार करना पड़ेगा, हर व्यक्ति को ये विचार करना पड़ेगा कि भाई मास्क का प्रयोग जो है वो मेरी भलाई के लिए है, सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग भी मेरी भलाई के लिए है, और हैंड हाइजीन, सैनिटाइजर और सोप के माध्यम से जब हम हाथों को जो है स्वच्छ करने का जो बार बार आग्रह जो है वो सरकार की तरफ से रहा है, विभाग की तरफ से रहा है, वो भी मेरी अपनी भलाई के लिए है। विचार करें कि देखिए कितना जो है इससे नुकसान जो है वो हुआ है, परिवारों का भी नुकसान हुआ है, आर्थिक नुकसान जो है वो प्रदेश का हुआ है, व्यापारिक नुकसान, आप सारा जो है टूरिज्म हमारा कितना जो है इससे जो है प्रभावित हुआ है, यानी कुल मिलाकर के इसके जो हैं सभी क्षेत्रों में इसका इम्पैक्ट जो है नकारात्मक प्रभाव जो है इसका है। इसलिए मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को विचार करके और इसमें ये तीन प्रकार की सावधानियों को जो है फिर से इसके प्रति जागरूक होने की और पकड़ने की आवश्यकता है। ये स्ट्रेन जो है पहले जो स्ट्रेन यहाँ था, क्योंकि ये जीनोम टेस्टिंग के लिए जो है पुणे स्थित जो हमारी जो लैब है वहाँ जाता है और उसके बाद उसका जेनेटिक मटेरियल कैसा है, पूर्व में जो वायरस था वो जैसा है उससे अलग है तो वो तय होता है। तो ये उससे अलग है थोड़ा, जो पहले यहाँ पर जो वायरस था उससे ये डिफरेंट है, लेकिन ये कई बार आशंका व्यक्त की जाती है कि जो वैक्सीनेशन हो रही है तो क्या ये इफ़ेक्टिव है स्ट्रेन के अगेंस्ट या नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो हमारी वर्तमान जो वैक्सीन है कोवैक्सीन कोविशील्ड, ये दोनों जो हैं इस स्ट्रेन के प्रति जो है ये इफेक्टिव है, असरदार है। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए शिमला से सोनिया शर्मा।